हेलो एंड वेलकम टू एडू पी एस सी यूट्यूब चैनल। आज है 18 मई 2020। आज की डेट से हम टोटल करंट अफेयर 44 करंट अफेयर को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला करंट अफेयर है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 18 मई, हर साल 18 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हर साल समाज में संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है के महत्वपूर्ण तथ्य बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 को म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन विषय के साथ मनाया जाएगा। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 40 साल पहले मनाया गया था, यानी कि 1980 के करीब मनाया गया था। यह दिन हर्ष उल्लास के साथ दुनिया भर में मनाया जाता है और इसी दिन दुनिया भर के अधिक से अधिक संग्रहालय इसमें भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अध्यक्ष सुए ओकोसी। करंट अफेयर नंबर 2, NRAI के तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार के लिए DOTPE के साथ मिलाया हाथ, .pe, ठीक है। नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप .pe के साथ समझौता किया है। यह प्लेटफॉर्म NRAI को डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल सेटलमेंट्स और कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने में सक्षम बनाएगा। इस समझौते के अंतर्गत .pe NRAI तकनीकी समाधान उपलब्ध कराएगा। NRAI भारत में खाद्य और पेय उद्योग की शीर्ष निकाय है। यह साझेदारी मौजूदा फूड दिग्गज एग्रीगेटर्स जोमैटो और स्विगी पर सीधे लागू होगी। NRAI 5 लाख से अधिक रेस्टोरेंट व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ तालमेल बैठाकर ऑर्डर करने की सुविधा और रेस्टोरेंट की भागीदारी के लिए सुविधाएँ और विजिबिलिटी प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा है, जो संभवतः इसके सदस्य हो सकते हैं। NRAI के अध्यक्ष रियाज अमलानी। NRAI स्थापित हुआ था 1982। NRAI का मुख्यालय दिल्ली में है। .pe की स्थापना हुआ था अस्टलवाइल पेयू के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक शैलाज नाच ने की थी। .pe का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा है। करंट अफेयर नंबर 3, HDFC के जुबैर इकबाल होंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD। जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक चुना गया है। इकबाल की नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर RK छिब्बर अगले 3 वर्षों तक बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा बेहतर परिचालन के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों को अलग अलग करने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश के तहत की गई है। जम्मू और कश्मीर बैंक का मुख्यालय श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड को 1 अक्टूबर 1938 में शामिल किया गया था और जिसने 4 जुलाई 1939 से कश्मीर भारत में अपना कारोबार को शुरू किया था। करंट अफेयर नंबर 4, ईरान के OP के गवर्नर हुसैन कजमपुर अर्दबिली का निधन। ईरान के OP के गवर्नर हुसैन कजमपुर का अर्दबिली का निधन। पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन, ठीक है, कंट्रीज OPEC में ईरान के प्रतिनिधि हुसैन कजमपुर अर्दबिली का निधन हुआ है। उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक ईरान के OPEC प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। 1995 से 2018 तक इस पद पर रहने के बाद साल 2013 में OPEC में ईरान के प्रतिनिधि थे। करंट अफेयर नंबर 5, विश्व उच्च रक्तदाब दिवस 17 मई, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2020। हर साल 17 मई को विश्व स्तर पर विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ते हुए उच्च रक्तचाप BP के बारे में जागरूकता को बढ़ाना देना है। सभी देशों के नागरिकों को इसे धीरे धीरे मारने वाला कारक को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन को पहली बार मई 2005 में मनाया गया था। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस WHD विश्व उच्च रक्तचाप लीग WHL की एक पहल है जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ
हाइपरटेंशन का एक संबंध अनुभाग है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 का विषय मेजर योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल इट लाइफ लॉन्ग। ये विषय विश्व की आबादी में उच्च रक्तचाप बीपी जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। WHL ने वैश्विक COVID-19 महामारी के कारण 17 अक्टूबर 2020 तक विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि WHD 2020 के उत्सव स्थगित करने की घोषणा की है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के अध्यक्ष अल्टा सुट्टे। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन स्थापित हुआ था 1966 में। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2020 इस बार 17 मई को सेलिब्रेट किया गया है। करंट अफेयर नंबर 6 विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस 17 मई। हर साल 17 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे यानी विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उन संभावनाओं को तलाशने के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करना है जो इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकियाँ ICT के इस्तेमाल से समाज और अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकते हैं। वर्ष 2020 के विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस की थीम है कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs है। ITU मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। ITU हेड है हर्लिन झाओ। ITU स्थापित हुआ था 17 मई 1865 में। वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई। कोई जानकारी चीजें दोस्तों, विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस का इतिहास। विश्व दूरसंचार दिवस WTD 1969 से 17 मई को प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इस दिन 17 मई को ठीक है 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ है। जब पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे 1973 में। कार्यक्रम को औपचारिक रूप से स्पेन के मलागा टर्मोलिनोस में ITU प्लेनिपेंटेटरी सम्मेलन में शुरू किया गया था। साल 2005 में यूनाइटेड नेशन UN की जनरल असेंबली ने 17 मई को विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य शिखर सम्मेलन द्वारा उठाए गए प्रौद्योगिकियों के महत्व और संबंधित सामाजिक और आर्थिक मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2006 में हर साल 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस WISD के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव की स्वीकार किया था। बाद में 2006 में तुर्की के अंताल्या में हुए ITU प्लेनिपेंटेटरी सम्मेलन के दोनों दिनों की विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। करंट अफेयर नंबर 8 लॉकडाउन 4.0 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। अब राज्य तय करेंगे रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन। गृह मंत्रालय द्वारा कल शाम एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है जिसमें COVID-19 के कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन को 14 दिनों तक आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया है। अर्थात अब लॉकडाउन को 31 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने इस नए रूप रंग और नियमों वाले लॉकडाउन के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा किए गए दिशा निर्देश में कहा गया है कि 31 मई तक चलने वाले लॉकडाउन 4.0 में कंटेनमेंट बफर रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन अब राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जबकि अंतर्राज्य यात्रा सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मेट्रो रेल परिचालन पर लगी पाबंदी अभी जारी रहेंगे। स्कूल और कॉलेज सहित होटल मॉल जिम और रेस्टोरेंट 31 मई तक नहीं खोल जाएंगे। इसके अलावा सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक समारोह पर लगे प्रतिबंध भी जारी रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। करंट अफेयर नंबर 9 NDMA ने तैयार किया डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS तैयार किया गया है। NDMA द्वारा इस डैशबोर्ड को तैयार करने का उद्देश्य प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्य में फंसे हुए व्यक्तियों को सुचारू आवागमन को सुगम बनाना है। डैशबोर्ड नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम द्वारा प्रवासी श्रमिकों पर एक केंद्रीय भंडार का प्रबंधन किया जाएगा। यह प्रवासी श्रमिकों के सुगम आवागमन को उनके मूल स्थान तक पहुंचाने के लिए त्वरित अंतर्राज्य संचार समन्वय इंटर स्टेट कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन में भी सहयोग करेगा। इसमें कंटेनमेंट ट्रेसिंग
इसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग जैसे अतिरिक्त फायदे भी शामिल है जो समग्र कोविड 19 प्रतिक्रिया कार्य में लाभदायक हो सकते हैं। डैशबोर्ड में एकीकृत डेटा की मदद से राज्य यह आकलन कर पाएंगे कि कितने लोग अपने गंतव्य राज्य में कहाँ पहुँच रहे हैं। NDMA का फुल फॉर्म दोस्तों नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। करंट अफेयर नंबर 10, रक्षा मंत्री ने DTIS को दी है मंजूरी। एक रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना अर्थात डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मंजूरी दी गई है। इस 400 करोड़ रुपए की परिव्यय वाली योजना की निजी क्षेत्र की रक्षा और एयरोस्पेस कंपनियों को सस्ती सुविधाओं का परीक्षण करने के साथ साथ उनके द्वारा डिजाइन किए गए हथियार को मान्य करने की पेशकश करने के लिए मंजूरी दी गई है। DTIS योजना को विशेष रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME और स्टार्टअप के बीच स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सरकारी खर्च पर अग्निजंत्रों गोला बारूद इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार के लिए परिष्कृत और महंगी परीक्षण सुविधाओं जैसी सुविधाओं को पहुँच प्राप्त करेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम का उद्देश्य सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्र के तहत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DICS में एक सामान्य सुविधा के रूप में ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। यह योजना 5 वर्ष के लिए चलेगी और निजी उद्योग के साथ साझेदारी में 6 से 8 परीक्षण सुविधाओं की स्थापना की परिकल्पना करती है। रक्षा मंत्री ने DTIS को मंजूरी दिया। DTIS का फुल फॉर्म दोस्तों डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। करंट अफेयर नंबर 11, बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार बने इजराइल के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिद्वंदी बेनी गेंटेज के साथ विवादास्पद पावर शेयरिंग डील के बाद अपने पद पर रिकॉर्ड 5वीं बार जीत हासिल कर ली है। नेतन्याहू ने 5वां कार्यकाल हासिल करते हुए इजरायली राष्ट्रीय चुनाव जीता है। राष्ट्रपति रेवन रेवलिन ने अपनी सरकार बनाने के लिए आधिकारिक रूप से नेतन्याहू को 2 सप्ताह का जनादेश दिया था, जिसके बाद नेतन्याहू ने 17 मई 2020 को अपनी गठबंधन सरकार बनाने की घोषणा की थी। 3 साल के लिए गठबंधन की डील के अंतर्गत नेतन्याहू आने वाले 18 महीनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे, जो उन्हें 13 नवंबर 2021 तक सत्ता में बनाए रखेगा। तब तक बेनी गेंटेज के देश के रक्षा मंत्री के रूप में काम करेंगे। 18 महीनों के बाद दोनों अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करेंगे और नेतन्याहू रक्षा मंत्री बन जाएंगे, जबकि गेंटेज नए प्रधानमंत्री होंगे। इजराइल की राजधानी यरूशलम, इजराइल की मुद्रा इजराइल शेकेल। करंट अफेयर नंबर 12, वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5वें और आखिरी चरण के उपायों का किया ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड 19 महामारी के बीच प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक राहत पैकेज की कड़ी में कुछ और राहत उपायों को जोड़ते हुए 5वें और आखिरी चरण के कदमों को जानकारी विस्तार से साझा करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के उपायों का समापन किया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मुख्य उद्देश्य से की गई यह घोषणा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ही हिस्सा है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 12 मई को ऐलान किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आर्थिक राहत पैकेज के 5वें और आखिरी चरण के तहत किए जाने वाले उपायों से जुड़ी मुख्य विशेषताएं। पहला है दोस्तों, मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन। आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, जिसको आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों स्वास्थ्य क्षेत्र। तीसरा है दोस्तों IBC संबंधित उपाय। चौथा है कंपनी अधिनियम में चूक को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। मैं दोस्तों फिर से बैकवर्ड करता हूँ और बैक लेता हूँ, इस स्वास्थ्य क्षेत्र को देख लीजिए, इसको आप जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। 5 में दोस्तों कॉर्पोरेट्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए जाने वाले महत्वपूर्ण सुधार है। 6ठा है सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति, ठीक है। और 7वां है दोस्तों राज्य सरकार को सहायता, उधार का भाग विशिष्ट सुधार, ये सब दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिए। करंट अफेयर नंबर 19, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई हर साल 17 मई
17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस WHD मनाया जाता है। इस 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा उच्च रक्तचाप और इसकी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 की थीम है अपने नंबर जानिए। उच्च रक्तचाप के कारण स्ट्रोक, दृष्टिहानि, मनोभ्रंश, दिल के दौरे और क्रोनिक किडनी रोग जैसी कई स्वास्थ्य परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, ठीक है। 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, ठीक है। करंट अफेयर नंबर 20, चीनी लेखक फांग फांग की पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी प्रकाशित हुआ। चीनी साहित्यकार फांग फांग द्वारा पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी लिखी गई है। ये पुस्तक ऑनलाइन डायरी एंट्रीज और सोशल मीडिया पोस्ट का संकलन है जो COVID-19 के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन में लिखे गए हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर नॉन फिक्शन द्वारा किया गया है। बुक का नाम है दोस्तों वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, ठीक है। 25 जनवरी 2020 को चीन की केंद्र सरकार द्वारा वुहान में तालाबंदी के लिए जाने के बाद फांग फांग ने एक ऑनलाइन डायरी पब्लिक शुरू कर दिया। बाद के दिनों में सप्ताहों में लेखक की रात की पोस्टिंग से उसकी लाखों नागरिकों के भव्य भय कुंठाओ क्रोध और आशा को आवाज दी जो मजबूर अलगाव के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दर्शाती है। दोनों सामुदायिक जीवन रेखा और स्रोत के रूप में इंटरनेट की भूमिका गलत सूचना और घातक वायरस द्वारा उठाए गए पड़ोसियों और दोस्तों के जीवन से जुड़ी है। लाइफलाइन एंड सोर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड द लाइव्स ऑफ नेबर्स एंड फ्रेंड्स टेकन बाय द डेडली वायरस, ये उसकी विषय है। करंट अफेयर नंबर 21, केंद्र ने एक संशोधित DPR को मंजूरी दिया है। केंद्र ने 9,167 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जम्मू और कश्मीर में उजह बहुउद्देश्य परियोजना MPP की एक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR को मंजूरी दी है। संशोधित उजह MPP उजह नदी पर स्थित है जो कि जम्मू और कश्मीर की कथुआ जिले में रावी नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। नदी में 608 मीटर पर पूर्ण जलाशय स्तर FRL के साथ 116 मीटर ऊंचा बांध प्रस्तावित है। करंट अफेयर नंबर 22, ओडिशा हाई कोर्ट में सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। ई कोर्ट परियोजना के तहत लोगों को विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए ओडिशा उच्च न्यायालय परिसर के अंदर एक ई सेवा केंद्र खोला गया है। कटक के जिला न्यायालय के लिए भी इसी तरह की सुविधा खोली गई थी। राज्य के अन्य जिला न्यायालय और उप विभागीय अदालतों में भी चरणबद्ध तरीके से ई सेवा केंद्रों को कार्यात्मक बनाया जा रहा है। करंट अफेयर नंबर 23, लोगों को स्क्रीनिंग के लिए रोबोटिक्स का विकास। जयपुर की एक कंपनी ने COVID-19 संकट के बीच लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करने के लिए रोबोट विकसित किया है। ये रोबोट यह भी पहचान कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति नकाब पहने हुए है या नहीं। 95% भारत में बना यह रोबोट स्पाइन तकनीक पर आधारित है। स्पाइन तकनीकी रोबोट को कुछ भी संतुलित करने में मदद करती है। करंट अफेयर नंबर 24, बिस्लरी ने की जोमेटो और इंजो के साथ डंजो के साथ साझेदारी, ठीक है। बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को बिस्लरी उत्पादों के सुरक्षित द्वार वितरण सुनिश्चित करने के लिए जोमेटो और डंजो के साथ समझौता किया है। डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग बिस्लरी के डायरेक्ट टू होम अभियान का विस्तार है। जोमेटो ने बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद सहित 38 शहरों में बिस्लरी उत्पादों की डिलीवरी शुरू कर दी है। करंट अफेयर नंबर 25, 40 घारियल्स रिलीज्ड इन घाघरा रिवर। घाघरा नदी में 40 घड़ियाल छोड़े गए। मई 2020 के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के बहराइच वन विभाग द्वारा घाघरा नदी में 40 घड़ियालों, ठीक है, गवियालिस गैंगटेक को छोड़ा गया है।
पशुओं को टैग होने के बाद लखनऊ के कुकरेल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र से लाया गया था। प्रकृति की लाल सूची के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ में घड़ियाल गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। करंट अफेयर नंबर 26, पृथ्वी के सबसे बड़े ढाल ज्वालामुखी की पहचान। ठीक है, अब मोनोआ में हवाई विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस लेटर्स में ऑनलाइन प्रकाशित एक अध्ययन में पहाड़ों की पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गर्म ढाल ज्वालामुखी घोषित किया है। इससे पहले हवाई में मोनो लाओ लंबे समय तक दुनिया के सबसे बड़ा ढाल ज्वालामुखी था। ढाल ज्वालामुखी लगभग विशेष बेसाल्ट है, एक प्रकार का लावा है जो विस्फोट होने पर बहुत तरल होता है। करंट अफेयर नंबर 27, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सीसीएमबी पार्टनर। हैदराबाद विश्वविद्यालय सीसीएमबी ने भागीदारी की है। हैदराबाद विश्वविद्यालय यूओएच और सीएसआईआर सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने कोविड-19 महामारी के लिए उपचार के लिए एंटीबॉडी टुकड़ा आधारित इम्यूनोथेरेपी विकसित करने के लिए बीन्स बायोप्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ में समझौता किया है। यह सहयोगात्मक प्रयास एक AB2 प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की योजना है जो मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के जीवन धमकाने वाले विकृति के लिए घोड़ों से तटस्थ एंटीबॉडी प्रदान करती है। करंट अफेयर नंबर 28, FDI इन डिफेंस लिमिट रेज्ड टू 74%। रक्षा सीमा में FDI 74% तक बढ़ाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 मई 2020 को स्वचालित क्षेत्र के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की है। कुछ हथियार और प्लेटफॉर्म की आयात में अनुमति नहीं होगी। आयुध निर्माणी बोर्ड के बेहतर प्रबंधन के लिए निगमित किया जाएगा और ये अंततः शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो जाएंगे। करंट अफेयर नंबर 29, केंद्र ने 31 मई तक देशव्यापी तालाबंदी को बढ़ा दिया है। 18 मई 2020 से देशव्यापी तालाबंदी के चौथा चरण शुरू हो रहा है। देशव्यापी तालाबंदी को 31 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का चौथा चरण हालांकि इसके पिछले संस्करण की तुलना में पर्याप्त आराम देगा। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के नामांकन करने की अनुमति दी है 18 मई टू 31। करंट अफेयर नंबर 30, एरिकसन और यूनेस्को ने की भागीदारी। एरिकसन ने यूनेस्को की अगुवाई वाले वैश्विक शिक्षा संगठन में शामिल हो गए हैं। एरिकसन एजुकेट लॉन्च किया। यह एक डिजिटल कार्यक्रम है जो माध्यमिक विद्यालय और विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए डिजिटल कौशल को बेहतर बनाने में और केंद्रित है ऑनलाइन शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। यूनेस्को और एरिकसन ने 13 मई 2020 को बच्चों की AI सिखाने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया। करंट अफेयर नंबर 31, भारत नेपाल को 30,000 परीक्षण किट प्रदान करता है। भारत ने नेपाल को 30,000 पैथो डिटेक्ट कोविड-19 गुणात्मक RT-PCR टेस्ट किट प्रदान किए हैं। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने 17 मई 2020 को काठमांडू में नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल को परीक्षण किट सौंपी। नेपाल के लोगों को भारत के लोगों से उपहार के रूप में खेप नेपाली स्वास्थ्य पेशेवर को 30,000 लोगों पर परीक्षण करने का सक्षम करेगा। करंट अफेयर नंबर 32, राहत पैकेज की 5वीं किस्त की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई 2020 को 8वां आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त का अनावरण किया। मनरेगा योजना के तहत देश के ग्रामीण भागों में रोजगार सृजन के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए की आवंटन किया जाएगा। अप्रैल 2020 में पहले सप्ताह में राज्य आपदा राहत कोष से अग्रिम के रूप में राज्य को 11,000 करोड़ रुपए से अधिक फंड जो है जारी किए गए। करंट अफेयर नंबर 33, पंजाब सरकार ने अध्यादेश जारी किया। पंजाब सरकार ने पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स अस्थायी रिलीज संशोधन अध्यादेश 2020 को लागू किया है। नए प्रावधान के अनुसार
कैदियों की अस्थायी रिहाई को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 16 सप्ताह की अवधि से अधिक की अनुमति दी गई है। ठीक है, कोविड 19 के प्रसार को ध्यान में रखते हुए जिलों को बंद करने के इरादे से यह कदम उठाया गया है। करंट अफेयर नंबर 34, सांसद ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में अपनी तरह की पहली पहल में राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया। यह अभियान के तहत नंगे पैर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके दर्द को कम करने के लिए जूते और चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं। चरण पादुका अभियान इंदौर के राव पुलिस स्टेशन में शुरू हुआ। एमपी लॉन्च्ड चरण पादुका इनिशिएटिव, जो लोग अपने घर पैदल जा रहे हैं उनको दिया जा रहा है। करंट अफेयर नंबर 35, हुसैन कामजोर अर्धबिल्ली का निधन। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के गवर्नर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक के हुसैन काजमोर अर्धबिल्ली को मई 2020 में निधन हो गया। उन्हें 1985 में ओपेक तेल समूह का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1990 से 95 तक जापान में ईरान के राजदूत के रूप में भी कार्य किया। ईरान दुनिया के चौथे सबसे बड़े तेल भंडार और सबसे बड़े गैस भंडार पर बैठे ओपेक का एक संस्थापक सदस्य है। करंट अफेयर नंबर 36, NRAI के तकनीकी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए डॉट पे के साथ करार किया। नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने अपने स्वयं की तकनीकी प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए फिनटेक स्टार्टअप डॉट पे के साथ भागीदारी की है। यह उन्हें डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल, बस्तियों और संपर्क रहित भोजन के लिए ऑनलाइन भुगतान के साथ सक्षम करेगा। डॉट पे एक गुड़गांव आधारित O2O वाणिज्य मंच है जो ओमनी चैनल बिक्री बढ़ाने में मदद करता है। निर्बाध B2B डिजिटल ऑर्डरिंग समाधान प्रदान करता है। करंट अफेयर नंबर 37, एक्सचेंजर बाइट की भविष्यवाणी का अधिग्रहण किया। एक्सचेंजर ने अहमदाबाद में स्थित एक स्वचालित अंतर्दृष्टि बड़ी डेटा एनालिटिक्स कंपनी बाइट भविष्यवाणी का अधिग्रहण किया है। अधिग्रहण पूरे क्षेत्र में उद्यम पैमाने पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और डिजिटल एनालिटिक्स समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किया गया है। अधिग्रहण की रणनीति में मौजूदा साथ ही उभरने ग्राहकों को गति और पैमाने के साथ वितरण की आवश्यकता शामिल है। करंट अफेयर नंबर 38, नई इजरायली सरकार ने ली है शपथ। 508 दिवसीय राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करते हुए इजराइल की 35वीं सरकार को कैसेट संसद में शपथ दिलाई गई। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और अपने राजनीतिक कैरियर का 5वें कार्यकाल के लिए सरकार की कमान संभालेंगे। ब्लू और व्हाइट पार्टी के अध्यक्ष गेंटेज ने रक्षा मंत्री के साथ साथ विकल्पिक प्रधानमंत्री और भावी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। मतलब नेतन्याहू अगले साल रिटायर्ड होने के बाद में ये गेंटेज जो है उनकी पद को संभालेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। करंट अफेयर नंबर 39, कैनन केमिकल्स में GCPL ने 25% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड GCPL ने केन्या आधारित कैनन केमिकल्स लिमिटेड में अघोषित राशि के लिए शेष 25% हिस्सेदारी का अधिग्रहण की घोषणा की है। इस लेन देन के माध्यम से कैनन केमिकल्स अब कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होगी। यह अधिग्रहण अपनी स्टेप डाउन फर्म गोदरेज ईस्ट अफ्रीका होल्डिंग्स लिमिटेड के माध्यम से किया जाया है। करंट अफेयर नंबर 40, पंजाब के लिए नाबार्ड ने 1,500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से पंजाब के लिए 1,500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये किसानों को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। ये COVID-19 महामारी के दौरान किसानों को कृषि कार्य के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड की 25,000 करोड़ रुपए की देशव्यापी विशेष तरलता सुविधा SLF का हिस्सा है। करंट अफेयर नंबर 41, चाइनीज एम्बेसडर टू इजराइल फाउंड डेड। इजराइली में चीनी राजदूत मृत पाए गए। इजराइली में चीनी राजदूत 17 मई 2020 को तेल अबीब के उत्तर में अपने घरों में मृत पाए गए थे। दुबई को
फरवरी 2020 में कोरोना वायरस महामारी के बीच दूतों ने नियुक्त किया गया था। उन्होंने पहले यूक्रेन में चीन के दूत के रूप में कार्य किया। वह हर्जिलिया में राजपूत के आधिकारिक निवास पर मृत पाए गए। कोरोना अफेयर नंबर 42 वुहान डायरी नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। कोरोना वायरस प्रकोप से संबंधित घटनाओं का एक प्रत्यक्षदर्शी खाता जो वुहान में सामने आया था, अब भारत में एक ई बुक के रूप में उपलब्ध है। सिटी वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी नामक पुस्तक चीनी साहित्यकार फांग फांग द्वारा कथित तौर पर ऑनलाइन डायरी प्रविष्टियों और सोशल मीडिया पोस्ट का संकलन है। यह COVID-19 महामारी के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन पर आधारित एक दस्तावेज है। डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, इनको लिखे हैं फांग फांग, वुहान डायरी, ठीक है, वुहान डायरी। करंट अफेयर नंबर 43, एक ट्रैकर को विकसित करने वाले म्यूजियम वायरबल्स, ठीक है, वायरबल्स। मेजर बीरबल्स एक IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप त्वचा की तापमान, हृदय गति और SPO2 रक्त ऑक्सीजन संपृक्ति संवेदन के साथ साथ कलाई आधारित ट्रैकर विकसित कर रहा है। यह COVID-19 की शीघ्र निदान में मदद करेगा। अगले 20 दिनों में उत्पादों के पहले ब्याज के बाहर होने की उम्मीद है। मुख्य उद्देश्य COVID-19 का दुरुस्त पता लगाना और निगरानी करना है। करंट अफेयर नंबर 44 यानी कि 18 मई 2020 की डेट से लास्ट करंट अफेयर फ्रेंड्स, राष्ट्रीय डेंगू दिवस नेशनल डेंगू डे 16 मई। हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की सिफारिश के साथ मनाया जाता है। इसका उद्देश्य डेंगू के बारे में जागरूकता पैदा करना और रोकथाम के उपायों में सुधार करना और ट्रांसमिशन सीजन शुरू होने से पहले वेक्टर जनित बीमारी के नियंत्रण के लिए तैयारी करना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और हमारे डिस्क्रिप्शन में जरूर आपको फेसबुक पेज को नाम मिल जाएगा, वहां पर जाके हमारे फेसबुक पेज पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी को नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय जगन्नाथ एंड टेक केयर।